EMF induced in a rotating coil in a uniform magnetic field. एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और ये कैसे घूम रही है कॉयल, ये ऐसे घूम रही है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो एरिया वेक्टर, क्योंकि बी तो बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बी के साथ क्या बना रहा है, एंगल बनाएगा। और जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो स्टैंडर्ड सर्कुलर मोशन का एंगल क्या होता है, हमेशा ओमेगा टी। ओमेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है तो एंगल क्या बनेगा, ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एंगल सेंटर में हमेशा क्या बनता है, ओमेगा टी। अब इसमें इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो फ्लक्स हो गया टाइम के साथ, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, बी और ए का एंगल चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर आ गया तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, जो कि क्या देगा आपको, ओमेगा। ओमेगा बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि वन। और मैक्सिमम ईएमएफ को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एन बी ए ओमेगा। तो इसमें एन बी ए ओमेगा की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं क्या, ई नॉट। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी इसमें, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ईएमएफ है इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एसएचएम वेव आपने किया हुआ है, ये देखो ग्राफ, साइन का ग्राफ फॉलो करेगा ये। इससे ये शो होता है कि ईएमएफ पहले कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम कम कम, फिर इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इस ईएमएफ को साइनोसाइडल ईएमएफ बोलते हैं, जो साइन का कर्व फॉलो करती है, या इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोला जाता है, कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है क्योंकि एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल। तो अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, उसका ग्राफ भी यही बनेगा। जब ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, ईएमएफ नेगेटिव होगी करंट भी नेगेटिव होगा। हमारे घरों में जो करंट और ईएमएफ वोल्टेज आती है वो ये आती है एग्जैक्टली, ये हमारे घरों की वोल्टेज है। डैम के ऊपर कॉयल ऐसे घूमती है, पानी जब गिरता है कॉयल घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड में ये ईएमएफ जनरेट होती है, हमारे घर तक तो पहुँचती है, ठीक है। जनरेटर ही है बेसिकली, जनरेटर का वर्किंग है ये। तो ये इसका मतलब क्या है, करंट पॉजिटिव करंट नेगेटिव, मतलब एक वायर है, मान लो मैक्सिमम करंट वायर में 4 एम्पियर है, तो एक वायर में करंट कैसे जाएगा, पहले इधर जाएगा 0 1 2 3 4 3 2 1 0, मतलब पहले इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर 0 1 2 3 4 3 2 1 0, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब नेगेटिव साइकिल है। तो करंट हमारे घरों में ऐसे ही दौड़ता है, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, ऐसे ये चीज़ ऐसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स ऐसे चलते हैं, ठीक। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे अभी, यहाँ तक क्लियर है,